तो आइए देखते हैं बेटा, लेट अस कैलकुलेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू लाइट ऑब्जेक्ट्स। ये कल हमने किया था आई थिंक, है ना। सेकंड केस है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड द अर्थ। आइए जरा इस केस में चेक करके देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कितना होगा। हाँ जी, ये हाँ तो ही है सेकंड एप्लीकेशन। कल हमने दो लाइट ऑब्जेक्ट्स किए थे ना बेटा, ये एक हैवी आ गया एक लाइट आ गया, राइट। सो वी हैव, कल हमने 2 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट्स 1 मीटर के डिस्टेंस पे किए थे, उसको नंबर 1 डाल दीजिए, न्यूमेरिकल कह लो जैसे आपने कहना है उसे ऐसे कह लो, कोई बात नहीं। ये आपका प्लेनेट अर्थ है, आपको दिया हुआ है। और ये बच्चों सेंटर ऑफ द अर्थ है, दिस वाय कंसंट्रेट ऑन द वर्क नाउ। रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पे आपने एक 1 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है, ये मास एम जो है 1 kg है और अर्थ का मास, डायग्राम तो दिख जाएगा बाकी इधर कर देता हूं, वन किलोग्राम। ये बेटे आपका अपना प्लेनेट अर्थ है, स्मॉल एम 1 किलोग्राम का, सेंटर रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एम आपका 6 × 10^24 किलोग्राम, आप जानते ही हैं अर्थ का मास इतना होता है। क्वेश्चन क्लियर है। अर्थ की सरफेस पे 1 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में निकालना है, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जो है इट इज जी एम 1 m2/r² होता है। अर्थ का मास जो है ये 6 × 10^24, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10^6, इसका स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, 10 की पावर्स को अलग कर लो, बाकी नॉन पावर्स को अलग कर लो बेटा। कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है, आपने लिख दी, अर्थ का मास आपने लिख दिया, 1 किलोग्राम का मास आपने लिख दिया, रेडियस ऑफ अर्थ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही रहेगा। हाँ जी, ऑब्जेक्ट है, रेडियस का स्क्वायर कर दिया नीचे डिनोमिनेटर में, सो वी विल हैव 6.67 × 6 डिवाइडेड बाई 6.4, अगेन 6.4, 10 की पावर्स को अगर एडजस्ट कर लें
माइनस इलेवन एक है, ये 24 इसके साथ एडिशन हो रही है पावर की, डिनोमिनेटर में पावर 6 दो बार आ रही है, ये माइनस सिक्स एंड माइनस सिक्स हो जाएगा, राइट। अगर पावर डिनोमिनेटर में 2 हो तो ऊपर जाकर पावर माइनस 2 होती है, ये वो ही किया हमने, इट विल बी 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 रेस पर 23 आ गया, ये नेगेटिव का 24 पॉजिटिव का, 10 की पावर 1 आ गया। आप सॉल्व करोगे इसको, थोड़ा सा इसको प्रोडक्ट और इसको एक मिनट लगाइएगा जरा सारे स्टूडेंट्स, एंड चेक व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी। इन दोनों का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट चेक करो जरा कितना आ रहा है, डिवाइड करके रेशियो कितनी आ रही है। बेटे ये काम मत करो, इसको छोड़ दीजिए, फ्री हैंड ड्रॉ करिए, ऐसे तो मैसे इसमें फंसे रह जाएंगे। जैसी बनती है बना दो, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत एडी बेटी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशो को निकाल लीजिए जल्दी से, और ये रेशो आपका 0.98 आ जाएगा, 10 साथ में पड़ा ही है, इट विल बी 9.8 न्यूटन आपको मिल जाएगा इन द एंड। सो यू कैन वेल इमेजिन, अगर एक आपके पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट हो, और दूसरा ऑब्जेक्ट बड़े स्मॉल साइज का हो, तो इनके बीच में कोई ज्यादा बड़ी फोर्स तो भी नहीं आ रही है, फोर्स तो भी छोटी की छोटी ही है। चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक होती है यहाँ पे किसी के पास, कहना बताओ। थैंक यू, कंप्लीटेड। चलिए आगे, देन हो गया जी, एग्जाम्पल नंबर 10.1 है आपका, 2 हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए कर रहे हैं। करें सर, आपको विजिबल नहीं यहां से? अच्छा, मैं आगे आ जाता हूं, चलो कर लो जल्दी से कर लो, फिर आगे चलें। एग्जाम्पल नंबर 10.1 है बेटे हमारा, आगे चलेंगे, जल्दी से नोट कर लो सारे स्टूडेंट्स बेटा, इसको सॉल्व करके। मैंने करीब करीब बहुत बार सॉल्व किया है, डोंट इवन रिमेम्बर की कितनी बार किया है, आप करके देख लेना, आ जाएगा, घर पे जाके कर लेना, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। बिल्कुल, 14.02 अपॉन 14.09, 40 पॉइंट, इसका मतलब है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, तो अपने आप आ जाएगा फिर, तो ठीक है आपका, आ जाएगा, डोंट वरी। टेन पॉइंट वन नंबर प्रॉब्लम, एग्जाम्पल है आपका, आप थर्ड नंबर भी डाल सकते हो, जरा लिख लेना। द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 रेस पर 24 केजी, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 रेस पर 24 केजी, एंड द मास ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10 रेस पर 22 केजी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 इंटू
10 days पर 5 किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। अर्थ का मास आपके पास है, मून का मास आपके पास है, आपको इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ मून के ऊपर एग्जर्ट करेगा ये निकालना। मैं डायग्राम बनाता हूं फिर आपसे आपके पॉइंट्स पूछता हूं आप क्या सोचते हो। ये अर्थ है और ये अर्थ का है, ये मून का है। मास किसी चीज का भी वेरी नहीं करता, मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, वेट वेरी करता है, याद रखना ये बेटे। ये मास है, ये मून है, इनके बीच में डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून निकालना है। फॉर्मूला इसके लिए, हाँ उठ जाइए बेटे, बोलो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। हाँ हाँ बैठो, ये स्टूडेंट दिस बोलो, बोलो बोलो कौन सा जी, क्या है एम क्या है, एम क्या है और क्या है, पूरा बोलिए। आप ध्यान से काम किया करो, बैठ जाओ, आपका ध्यान नहीं इधर। यस बिटवीन द सेंटर्स उसका स्फीयर, समझ आ गई बात है क्या कहता है। सो एफ आपके पास आ जाएगा जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर दें, सारी वैल्यूज आपके पास हैं पुट कर दें, ये आ जाएगा 6 × 6.67 10^-11 मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10^24 मास ऑफ द मून इज 7.422 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है, किलोमीटर के मीटर बनाने पड़ेंगे, इट विल बी 3.84 × 10^8 स्क्वायर हो जाएगा इसका। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं 10^8 आ गया। जब भी आप ऐसा एक्सप्रेशन सॉल्व करें 10 की पावर अलग कर लें, बिना पावर वाले सारे पैरामीटर्स अलग कर लें। सो ये आपके पास आ जाएगा 6.67 × 6 × 7.4 इन द डिनोमिनेटर 3.84 एंड 10 की पावर, आप लिखवाइए सारी पावर्स, उठ जाइए, 10 की पावर क्या 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 है, कैसे 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 हैं, क्या लिखें, एक मिनट गुड़िया, अरे क्या लिखें 10 की पावर को, बैठो बैठ बैठ के सोचो, स्टैंड अप, बाकी कौन लिखेगा, बाकी पावर्स क्या है, कैसे लिखे, क्या क्या लिखे, क्या कह रहे हो, बैठो 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 बैठो, 10 की पावर -11 एक है, 24 एक है,
22 एक है, ये सारी साइन के साथ लिख दी। डिनोमिनेटर में 8 है, ये भी 8 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएंगी, -8। ऐसे करना है, ठीक है, आप भी ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, तब नेगेटिव वाली अलग काउंट कर लो, पॉजिटिव वाली अलग काउंट कर लो। 24 एंड 22 कितना होता है, 46 होता है। ये क्या है, करना पड़ेगा ना, वो ही किया है हमने। सो ये आ गया 6.676, 7.4, 3.84, 3.84, ये पावर बन गई 46, और ये कितनी बन गई है? क्या क्या क्या, -27 नहीं बना, ये इनको पॉजिटिव वालों को ऐड कर लिया, ये 46 आता है और ये -27 है। अरे बच्चों है कि नहीं है, 19 बचा, इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, घर जाके कर लेंगे, अभी आपसे थोड़ा टाइम लग जाएगा, नहीं तो मैं आंसर डायरेक्टली लिख देता हूं। हाँ, 2 पॉइंट, बड़ा तगड़ा आंसर निकाला आपने भाई, वेरी गुड, ऐसे लिख दिया कि सच में किया है, देख तो रहा हूं इसीलिए कह रहा हूं, बुक रखनी चाहिए वैसे। 2.01 इंटू 10^20 न्यूटन रखो बेटा, 2.01 इंटू 10^ कितना आ जाएगा, ठीक है जी, कर लोगे अब आप, अगर आपने हल किया है, खुद किया है, तो बहुत खुशी वाली बात है, कोई बात नहीं बेटे, कैलकुलेशन में ऐसे हो जाता है, और अदरवाइज जिनका रहता है वो एक बार घर पे जाके करके देख लेंगे। चलिए आगे चलेंगे, इसके बाद आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखिए नया हेडिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी क्या है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, यहीं पे यहां तक ही रहने दो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है और इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जरा ध्यान से समझ लेना, जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तो भी आपके काम आएगा, अगर नहीं समझा अच्छे से तो फिर नहीं आना समझ। स्मॉल जी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंडेंट रहती है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। इमेजिन कर लो ये आपका अपना प्लेनेट, ये आवाज किसकी आ रही है, देख लो लेकिन बोलो मत, चलो अब मत बोलो बेटे, अब मत बोलो, अब ध्यान दो काम की तरफ। ये आपका अर्थ का रेडियस आ गया, सेंटर ऑफ द अर्थ हो बोल दें,
अर्थ की सरफेस पे मान लेते हैं कि आप बैठे हैं, आप सरफेस ही बैठे हो ना, ये मान लीजिए आप बैठे हैं और आप बड़े खुश हैं। इधर ध्यान दो, और आपका मास स्मॉल एन के बराबर है, अर्थ के मास से कंपैरेटिवली तो बड़ा थोड़ा ही है, एलिजिबल ही है ना। अर्थ का मास कैपिटल एम है, मिलन आपके बीच में और अर्थ के बीच में स्टैंड अप ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? मैं फोर्स कह रहा हूं, फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू, बोलो एम वन कितना है, एम टू कितना है, आर कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ के स्फीयर के बराबर आ गया ना। आपकी हाइट तो अर्थ के रेडियस के कॉरेस्पॉन्डिंगली जीरो ही है, तो रेडियस के बराबर ही डिस्टेंस हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, चौक का पीस देख रहे हैं? अरे देख रहे हैं, अर्थ की सरफेस से ज्यादा हाइट पे तो नहीं है? छोड़ दो, गया। कितनी फोर्स लग रही इस पे नीचे को? कल की थी बात, हमने भूल गए? अरे मैं जी नहीं पूछ रहा, फोर्स पूछ रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है अर्थ इसके ऊपर लगा रहा है? अरे क्या कर रहे हो, हाँ एम इंटू जी के बराबर। यस, फोर्स हमारा एम इंटू ए होता है ना वैसे, लेकिन जरा देखिएगा, चौक दिख रहा है? छोड़ दूं, चला गया। कितनी एक्सेलरेशन आई? जी, जी के बराबर है ना, अदरवाइज तो फोर्स हमारा एम इंटू ए होता है। एक ही जगह क्या आ गया, क्या आ गया, दोबारा बोलिए क्या फार्मूला बना? एम जी, इसका मतलब है फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ गया। एम कौन सा भाई, कौन सा किसका? चौक का। अगर चौक की जगह पे आप हो तो आपका आ जाएगा, इट विल बी एम इंटू जी। हमने मिलन की बात की थी, उसी का मास आ गया। ठीक है, इनको दोनों को कंपेयर कर दें बच्चों, ये इसका मास ऑब्जेक्ट का इंटू जी, जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। अच्छा कल आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, मुझे अभी याद आ रहा है, उसका कुछ किया आपने? भूल गए है ना। अगर डिस्टेंस को हाफ कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के देखा था। थम्स अप फॉर यू, गुड। हाँ हाँ, आप एक दिन और लगाइए, आपने पहले किया कि नहीं ये बताओ? नहीं किया ना, ट्राई करके आइएगा तब पूछिएगा। एम आपका कट गया, स्मॉल जी आ गया, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो स्मॉल जी आपका बच्चों देखो, आप देखो खुद ही गिरी जा रहे हो, स्मॉल जी आपका बेटे देखो मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर अर्थ का रेडियस ना बदले, मास डबल कर दें तो जी क्या हो जाएगा? मास हाफ कर दें तो जी क्या हो जाएगा? ये बात याद रह जाएगी, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, जी आपके अर्थ के रेडियस पर इन्वर्सली डिपेंड भी करता है। अगर अर्थ का मास फिक्स कर दें, रेडियस डबल कर दें, तो जी कैसे वेरी करेगा? रेडियस आपने डबल कर दिया अर्थ का मास को, कुछ वो तो है ही है, कितना कम होगा, कितना हो जाएगा, मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना, इट इज
डबल कर रहे हो ना आप रेडियस को, तो हाफ कैसे हो गया? इट इज 4 times. पक्का? आप रेडियस को डबल कर रहे हो तो 4 times कैसे हुआ? तो 1/4 times नहीं हुआ, 1/4 times हुआ ना, 4 times थोड़ी हुआ. आर आपका डबल हो गया तो 2 का square कितना होगा नीचे? 4 नहीं होगा, 1/4 times आ गया. यही कल वाला जवाब है आपका जो कल दिया था आपको. और कैपिटल जी लिखने की तो जरूरत नहीं है, ये तो कांस्टेंट है. अब देखिए हमने कंक्लूड क्या किया कि जो जी की वैल्यू है ये मास ऑफ द प्लेनेट पे और साइज ऑफ द प्लेनेट दोनों पे डिपेंडेंट है. लिखिए एक लाइन, ये वाला रिलेशनशिप लिख लो एक नंबर. इक्वेशन नंबर 1 इंडिकेट्स दैट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 मास ऑफ द प्लेनेट, नंबर 2 साइज और रेडियस ऑफ द प्लेनेट. मास ऑफ द प्लेनेट, नंबर 2 डिस्टेंस और साइज ऑफ द और द अर्थ. अब आइए आगे चलें और इक्वेशन 1 इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द प्लेनेट एंड साइज और रेडियस ऑफ द प्लेनेट और द अर्थ. डिस्टेंस रहने दो, साइज लिख लो या रेडियस लिख लो, ठीक है. चलें आगे अब. हाँ जी, क्लियर हो गया सारे बच्चों को? मिलन और उसके साथी इधर, सारा क्लियर है? आगे चलिए बेटा. इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ अर्थ लिखिएगा, हेडिंग लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ अर्थ. आप ज्योग्राफी पढ़ते हो? जोर शोर से पढ़ते हो? पूरा पढ़ते हो? अच्छा पढ़ते हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यही आपसे उम्मीद थी. अब मुझे बताइएगा एक चीज और बेटे, सुनिएगा. आपको इतना तो पता होगा कि हमारे अर्थ के पोल्स भी होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इक्वेटर का भी आपको पता होगा, है ना. मुझे ये बताइएगा कि अर्थ के सेंटर से जब हम पोल के ऊपर पहुंच जाते हैं, मे बी नॉर्थ और साउथ, और अर्थ के सेंटर से जब इक्वेटर पे पहुंच जाते हैं, तो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? कितना पता होना चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ते हो आप भाई? हैं, नहीं पढ़ते? चलिए ऐसे करते हैं, मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ जो आपको ऑलरेडी आता है. बहुत खुशी वाली बात है, आप जानते हैं काफी कुछ. एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, वो आपको याद रखना होगा, ठीक है बेटा. हैं, नहीं 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 नहीं, मैं रेडियस की बात कर रहा हूं. ध्यान दीजिएगा जरा, ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ, आपका अपना ही है ना, और आपको ये भी पता है ये परफेक्टली स्फीयर नहीं है, थोड़ा सा. यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं. और ये एक बुरी बात है, आप सुनते कम है, थोड़ा खिचमिच खिचमिच करते रहते हैं यहाँ पे बैठे.
इससे पता क्या होगा, आपका ना लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से आपको यहाँ पे पूरी चीज समझ नहीं आएगी, फिर आपको दोबारा फिर क्लास में बैठना पड़ेगा। दोबारा फिर का मतलब आप समझते हैं, प्लीज कंसंट्रेट। सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये पोल है आपका, और नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है। सेंटर से लेकर इक्वेटर तक का डिस्टेंस जो है, आप इसको आर इक्वेटोरियल रेडियस कह देते हैं, इक्वेटोरियल रेडियस। ये समझ ही नहीं रहा बच्चा जी, बस आप वो मांग रहा है आप दे रहे हैं, फिर आप मांगना वो देगा, बस यही काम लगे रहेंगे। करना क्या है, सैनिटाइजर बैठ के आपने काम कर रहे हो तो करते जाओ, आप कहीं बाहर से आ रहे हो सैनिटाइजर आप मांग रहे हो, क्यों मांग रहा है वो, कौन मांग रहा है सैनिटाइजर भाई? आप थोड़ा बहुत लिख रहे हो, लिखते रहो, सैनिटाइजर बाद में मांग लेना। ये आपका रेडियस जो है पोलर रेडियस कहलाता है, आरपी कहते हैं इसको। समझ आ गई बात? ये वाला जो रेडियस है पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर बड़ा है, याद रखिएगा। आर इक्वेटोरियल जो है इट इज मोर देन आर पोलर, कितना बड़ा है, आर पोलर से 21 किलोमीटर बड़ा है। ये बोलना मतलब जी की वैल्यू पोल्स पर, जी का फार्मूला क्या निकाला था अभी अभी हमने, यस कैपिटल जी इंटू मास अपॉन आर का स्क्वायर लिखा था। आप कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हो, पोल पे, तो रेडियस पोल का लोगे। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन। आप इक्वेटर पे पहुंच गए, पहुंच गए कि नहीं, तो इट विल बी जी एम अपॉन आर इक्वेटर का स्क्वायर कर दे। बेटा आपका जी जो है ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, अभी अभी किया है। जब आप पोल पे हो तो पोलर रेडियस ले लोगे, इक्वेटर पे तो इक्वेटोरियल ले लोगे। इनको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर वन टू कह दिया मैंने। हाँ बेटे मैं ये कह रहा हूँ, इक्वेटर पे अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा, पोल पे निकालोगे तो ये आ जाएगा, दैट्स ऑल। हमें तो कैलकुलेशन करनी, हम जा थोड़ी रहे वहां पे, ठीक है। आप इक्वेशन नंबर वन को टू से डिवाइड कर दीजिए, करना आता है। मिलन, मिलन कहाँ गया, बैठा है कि नहीं, बैठा है। जी एम अपॉन आर पोल का स्क्वायर कर दें, उल्टा कर दें बच्चों ऐसे करके, ए जी एम से जी एम कट जाएगा, कट जाएगा, है ना। हाँ आ रहा हूं, इसी पे आ रहा हूं, ये वाला पार्ट रब कर दूं, जल्दी नोट करो बेटे जरा, फिर काम की चीज है, टाइम उधर हमारा कितने बजे पहले होनी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात ही है, बहुत बढ़िया। आइए देखें, और नहीं ऐसे नहीं कटेगा, जी पोल अपॉन जी इक्वेटर, इसको मैं आर इक्वेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर पोल का स्क्वायर कर दूं। अगर तो ये इसके बराबर होता तो वो तो कट जाता, बराबर थोड़ी है, ये तो इससे बड़ा है ना। तो जी एट पोल, जी एट इक्वेटर, अगर मैं बच्चों ऐसे लिख दूं, आपको कोई परेशानी तो नहीं लग रही, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो रेशो वन से बड़ी आएगी, अगर 25 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, छोटे को बड़े से डिवाइड करोगे तो लेस देन 1 आएगा, 10 को 25 से डिवाइड करोगे तो 0.4 आएगा, समथिंग लाइक दैट है, ये रेशो 1 से बड़ी हो गई। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
अब देखिए क्या बनने जा रहा है, आपका जी एट पोल्स डिवाइडेड बाई जी एट इक्वेटर मोर देन वन आ गया। अरे आ गया बच्चों। इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ जी इक्वेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी एट पोल इज मोर देन जी एट इक्वेटर, याद रखिएगा। अरे आप अब इसको छोड़ ही दीजिए, रहने दीजिए, हम ऐसे नहीं करेंगे। ये रेशो वन से बड़ी है, मैं ऐसे लिख दूं जी एट पोल अपॉन जी एट इक्वेटर मोर देन वन, इसको उठा के इधर ले जाएं, चले जाएगा। इसको रास्ते में कोई खराबी तो नहीं होगी। यस, सो जी एट पोल इज मोर देन जी एट इक्वेटर आ गया। जी की वैल्यू पोल पे ज्यादा होती है, थोड़ी सी इक्वेटर पे कम होती है, याद रखिएगा। और मास को अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास वेट आ जाता है। इसको कोई नंबर डाल दो इक्वेशन को, जो भी आपका अगला बनता है। ऑब्जेक्ट के मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग बाई स्मॉल एम ऑन बोथ साइड्स, एम इंटू जी एट पोल्स इज मोर देन एम इंटू जी एट इक्वेटर आ गया। मास इंटू जी वेट होता है, ठीक है, इसका मतलब है वेट एट द पोल्स इज मोर देन। बड़े सही टाइम पे वैल्यू ये आते हैं ना। सो थैंक यू ऑल, ये पढ़ के आना बच्चों सारे स्टूडेंट्स।